कर रहा था मुझे भाई इस बंदे को टपकाना। चल टपक 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 टपाया। पंगे नहीं फालतू के। गेट इनटू अ व्हीकल। स्प्रे शॉप है भाई मेरे को जाते जाते भाई मैंने एक्चुअली बिल्डिंग भी फोड़ी है मैं आपको बताना अब आ रही है भाई यार तेरे पास दिमाग नाम की चीज़ है पता नहीं यार ये बाइक से जो लोग पता नहीं कैसे लोग हैं यार चीज से लोग हैं मैं चला जाऊँगा यार बाइक से जो लोग हैं गाइस मैंने इंट्रो भी नहीं दिया मेरे हिसाब से नमस्ते गाइस हम बैटमैन की गेम वीडियो कास्ट करने के लिए जा रहे हैं वीडियो गाइस मैंने इंट्रो दिया कि नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं कैसे हो गया तो कैसे देगा नहीं तो गाइस उसको भूल जाता तो यहाँ पर चलते हैं शांत से मुझे वीडियो बनाने लग गया यार मेरे को ना थोड़ा सा पन्ना पड़ गया मुझे सोड लगा पोस्ट करवा के उस गाड़ी को ठीक करवा दिया तो गाइस मैं जस्ट अभी नया इंजन और एक और चीज़ नहीं डलवा गया और भाई इसने मुझे $250 दिया इस काम को कम्प्लीट करने का। तो गाइस ये है वो घर जो मुझे $3,000 में मिल रहा है। मैं सोच रहा हूँ फिलहाल यार इसी घर को खरीद देते हैं ये अपनी नई प्रॉपर्टी। भाई हमने एक नया घर खरीदा है और भाई वो ये है लिंक्स व्यू अपार्टमेंट इसकी कीमत है $3,000। भाई मैं यहाँ पर अपनी व्हीकल्स भी रख सकता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ला के गाड़ी रख देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा वो गाड़ी क्या है भाई मैं यहाँ पे गेम सेव कर देता हूँ यहाँ वाले स्लॉट पे यहाँ पे सेव नो नहीं कर अरे यार इस वाले स्लॉट पे नहीं अब यहाँ पे गेम सेव कर देता हूँ। चलो गाइस चलते हैं इस वाली बाइक पे बैठ के घूमने भाई व्हीकल मैं अभी कोई लाऊंगा नहीं व्हीकल मैं कोई अच्छे से लेके आऊँगा बाद में फिलहाल मेरा कोई व्हीकल लेके आने का मन नहीं है फिलहाल मैं जा रहा हूँ कर्नल के पास तो आप लोग भी चलो मेरे साथ मस्त करेंगे मिशन वो यार क्या भाई मेरे को याद आया कि यहाँ पर कुछ काम से आया था मुझे काम ही नहीं आ रहा साइड से निकाल भाई पता नहीं क्या हो रहा है देखते सलाह भाई दो भाई वाले गाड़ी ना बीच में से अलग ही हो रही है ये देखो अचानक से ना गाड़ी को देखो अचानक से मिस बैलेंस हो जाती है जीप से तो पता नहीं PCJ से निकल रही बाइक का नाम है ये हवा से बातें करती है ना जब चलती है तो भाई मौसम अबे भाई ओ रुक 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 दे दिए सीधे से रुक रुक बे अबे इसकी गाड़ी नहीं जी इसको ठोकने का है इसको ही ठोकना होगा। ओ भाई मैंने पुलिस वाले को गोली मार दी तो मैं उस बंदे को एक गोली मार चुका हूँ यहाँ से भागते हैं भाई मैंने फिर से पुलिस वाले को गोली मार दी फिर से पेंट शॉप पर जाना पड़ेगा। चलो भाई अपने रास्ते में आती है ओ भाई भाई तू टायर को क्यों उठा रहा है भाई इस बाइक को क्या होगा भाई मिस बैलेंस हो गया दीदी यार ओ भाई गया भाई पीछे ध्यान चला गया गलती से ओ भाई एक समुद्र में नहीं जाना यार ओ भाई यार भाई पुलिस वाले अपने पीछे कैसे अबे यार इनकी इनकी तो भाई मैं इनको बताऊँ बाद में गाड़ी वालों को यहाँ से बाइक लेके निकलता हूँ फटाफट निकलते क्योंकि भाई गाड़ी अपनी बाइक थोड़ा डैमेज भी आ गया होगा तो मैं रॉन्ग भी चला रहा हूँ गलती से कोई गाड़ी आ गई ना तो टूट जाएंगे आगे भाई पेंट शॉप आ गई मोड़ 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 भाई पहुँच गए यार पेंट शॉप करा लेते हैं गाड़ी को। तो गाइस हमने न्यू इंजन लगवाया है और भाई कलर ब्लैक करवाया है तो चलो गाइस चलते हैं प्यासी का कर्नल के पास। कर्नल जो है ना भाई हमें एक और नया मिशन देगा और भाई पिछली बार जब मैं गया था ना भाई उसने एक लॉबस्टर मुझे खाने के लिए ऑफर किया मेरा बिल्कुल नहीं था फिलहाल वही जैसे चलते हैं मस्त PCJ भाई इसकी यहाँ पे ना चीता खड़ी रहती है तो मैं सोच रहा हूँ इसकी चीता ले जाऊँगा इसके तो बहुत चीता है। Tommy, come join me. This looks delicious, huh? Tap your snout. No. तो गाइस इसने मुझे एक बंदे को बोला एक बंदे को मैंने मॉल में मिलना है और वह मीट एंड द कोरियर मैं उस कोरियर वाले से मिलना और भाई अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो उसको गोली मार के सब कोरियर लेके आना है। मैंने बोला ठीक है पर इसने मुझे एक वार्निंग दी है साथ में कहता पुलिस मेरे पीछे पड़ सकती है तो कह रहा अपने आप को थोड़ा सेव करके जाना तो यार मेरे को पुलिस क्या ही कर लेगी तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे करके ना
नॉर्मल से अपनी गन पूरी रिलोड रखते हैं, दूसरी छोटी वाली गन रिलोड रख लेता हूँ यार। हाँ भाई वो रिलोड है पूरी पूरी, वो यहाँ से निकलते हैं भाई अपनी पीसी से लेके। भाई उसने मुझे एक और चीज़ बोले है, कह रहा कि यार वहाँ पे कोई आम पुलिस नहीं बल्कि कमांडो है, मुझे तो और ध्यान रखना पड़ेगा उसने बोला है। और भाई देखा मैं जाते मेरे उसने वो ऑफर किया था, क्या कहते हैं उसको भाई बताइए, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, स्टोरी कहते हैं मेरा, तो वो ऑफर हो गया था। अब मैं बाइक को पता सोच रहा हूँ ऐसे रख दूँगा कि इससे कूरियर लेके भागने में मेरे को थोड़ी सी आसानी होगी, बाइक यहीं खड़ी कर देते हैं। चलो भाई फटाफट चलते हैं भाई, इसको बंदूक दिखा के भाई मैं इसे कूरियर ले लूँगा, अगर नहीं देगा तो कोई बात नहीं, तो इसको हमें गोली मारने का भी पूरी परमिशन है, इससे बात करते हैं चल के। भाई वो देखो भाई एयरप्लेन के साथ कमांडोज भी आ गए हैं। D'accord. Oui, un périsse American pig. That is propriété de votre gouvernement français. Hand it over, you American idiot. भाई वो भाग रहा है, मुझे उसको मारना भाई। उसको मुझे मारना पड़ेगा। और मेरे पास अभी भाई ये कमांडो कहाँ से आ गए भाई इतने सारे? मुझे उसको मार रहा है पहले। कमांडो उसको मैं बाद में। भाई मैंने उसको मार दिया और भाई कूरियर मिल गया। मुझे कर्नल के पास जाना है वापस से। फटाफट चलते हैं भाई, अपने मुझे कोई ज़्यादा पुलिस नहीं पड़ेगी, मैं कर्नल के पास पहुँच नहीं पाऊँगा। चलो भाई फटाफट पी सी जे लेके चलते हैं 600 भाई, आराम से चलाऊँगा और ढूंढूंगा। तो भाई मैंने फटाफट भाई उसे गोलियाँ ले रहा, उसकी गोलियाँ बजा दी, वरना भाई वो अपना कुछ और काम कर देता। कमांडोज वहाँ पर खड़े थे, मतलब पहले से पता था यार ये डील होने वाली है, वहाँ पर पहले से तैनात हुए खड़े थे भाई। मुझे यहाँ ओ भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं वैसे यहाँ पे पहुँचने के बाद ना कभी पुलिस मेरे पीछे नहीं आती, क्योंकि ये सारा इलाका ना कर्नल के अंदर आ रहे थे भाई। यहाँ पे पहुँच गया एक बारी, पुलिस अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पहुँच तो गया कर्नल का भाई बंगला, कर्नल का बंगला, कर्नल का ये सारा कुछ भाई यहाँ पे उतरते हैं। अब भाई कर्नल को फटाफट से भाई मैं सारा वो दे के आता हूँ। कर्नल ने मुझे इस मिशन को $500 दिए करने को। कर्नल मतलब यार अपना भाई एक और मिशन है कर्नल के पास, तो वो भी करना ही चलते हैं साथ में, क्योंकि यार मुझे वो मिशन करके पैसा कमाना है, पैसा कमा के बड़ा आदमी बनना है। ये क्या है? गार्डियन एंजल्स। भाई कर्नल ने कुछ फायर पार्क जो है अपने मल्टी कार पार्क में अपने एंज किए हैं, तो मैं वहाँ जाना है। और भाई उसने बोला कि वहाँ पे ना हमें जाना है कार पार्क में, और वहाँ पे उसने कुछ हमारे लिए कुछ पावर वायर वर्क्स मैंने कुछ अरेंज किया है, तो मैं वो जाके वहाँ पे मैंने चेक करना है क्या करना है, वहाँ जाके ही हमें पता लगेगा। भाई फटाफट से निकालता हूँ। अरे भाई ये क्या यार, ये रास्ता बड़ा बेकार है, सच्चे अगर घटिया रास्ता है ये चलाना। भाई पुलिस वाले ऊपर चढ़ जाएगी और पागल से हल्का है भाई, दूसरे बंदे के बाद भी और भाई कैसे हो गए भाई इसके टायर टूटे नहीं मुझे। भाई टायर तो अपने मस्त हैं। अरे भाई अजीब अजीब सी गलियों से निकाल रहा हूँ अभी तो भाई धूप भाई क्या है, तुमको यार दिखता नहीं है क्या? और भाई अपने पास अभी $1,000 फिर से आ चुका है। भाई मैं पैसे को कम से कम इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा। अभी एक नया घर खरीदा है, $4,000 का घर भी मैंने देखा, वो खरीदेंगे पर यार अभी नहीं, अभी थोड़ा और पैसा आ जाए, थोड़ा और मेहनत करके मेहनत ही है भाई। एकदम बंदे मार अपनी जान जोखिम में डाल रहा, यहाँ पे उसने मुझे कहीं बोला जाने को। भाई वो रास्ता कहाँ पे है? पीछे वाली साइड यहीं पे होना चाहिए पूरा। भाई ऊपर जाना है, ऊपर जाने का रास्ता यहीं नहीं होना चाहिए। ट्रेन से जाते हैं भाई, ये भी होगा ये भी होगा, इसके आस पास ही घूमता हूँ पक्का यहीं नहीं होगा। अच्छा भाई ये है वो कार पार्क, तो मुझे यहाँ से अंदर घुसना पड़ा ये मुझे वहाँ से भी रास्ता है, तो वहाँ से पता नहीं कहाँ से आना। ये रहा भाई शटर, भाई ऑटोमेटिकली ओपन हुआ, पता नहीं कैसे हो गया। भाई मैं यहाँ पहुँच गया। वो भाई यहाँ पे इस बंदे ने मेरे लिए गन रखी है, उठा लेते हैं। भाई ये गाड़ी तो लेंस की है ना? ओ भाई लेंस ही आया भाई अपने से मिलने यहाँ पे। तो गाइस इसने मैं बोला गो विद लेंस एंड ड्रॉप ऑफ द वॉच ओवर डियाज। भाई हमें जाके ना डियाज की सुरक्षा करनी है, इसने मुझे जैसे बताया है। कर्नल ने हमें ऑर्डर दिया था कि डियाज की सुरक्षा करनी है, तो हम वही करने चल रहे हैं यार। अब उसने मैं बोला था कि वहाँ पे तुमने जाना, उसने सिर्फ इतना बताया कि तुम्हें यहाँ जाके ये करना है। तो मैंने वहाँ पे एक बंदूक रखी हुई है, तो एक बंदा मिलने आएगा भाई, वही हुआ तुम उस बंदे से मिल लिए। तो भाई वही रहा लेंस, और लेंस ने बताया कि मेरा आगे का काम है, मैं जाके डियाज की मतलब वो सेफ्टी कर रही हूँ। वो बहुत पता नहीं बहुत महंगा सब कुछ कुछ ऐसा लेके आ रहा है भाई। इसकी ना भाई लेंस की गाड़ी बड़ी अजीब सी है, इसका नाम है फर्नेंस फर्नेंसी, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। भाई भाई मैंने बोला है इसके
की गाड़ी मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, पर अच्छी है यार, इतनी बेकार नहीं है, तेज़ कार और महंगी है। वो भाई क्या भाई, ये देखो भाई उठाए पहुँच गए भाई, ड्रिफ्ट हो गई भाई अपने यहाँ पे भाई साइड साइड से। मैं यार ये अंकल आंटी को दिखता नहीं। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं भाई, लगता है डियाज भी यहाँ पे पहुँच रहा है। हाँ भाई डियाज यहाँ पे आ चुका है। You must be Cortez's new gun. Until more gainful opportunities arise. You'll be here any minute. You both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony. You get the roof across the yard. गाइस उसने बोला हम उनको पता नहीं लगना चाहिए कि हम सुरक्षा के लिए खड़े हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बंदूक निकाल के रखता हूँ। और भाई इसका स्कोप, हाँ भाई स्कोप अच्छा है बंदूक का। अरे यार मैं दूसरी बंदूक लेके खड़ा हो गया ऊपर। और भाई मुझे उन लोग क्यूबन्स पे नज़र रखनी है, अगर उन्होंने हल्की सी भी हरकत की तो मुझे गोली दाग देनी है भाई। वो डियाज और लेंस की हेल्थ, इन दोनों की हेल्थ का भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। No, man, this is not a problem. भाई मैं इसके मत्थे पे शॉट रख के बैठा हूँ भाई। सीधे सीधे देखो भाई, सीधे मत्थे पे ऐसे बजेगी भाई, मत्थे पे मारूंगा सीधा भाई। गाड़ी इनकी अच्छी लग रही है मुझे क्यूबन्स की, और भाई मैं यहाँ पे ही खड़ा हूँ। और भाई सच कह रहा भाई, ऐसे ना भाई खड़े हैं ऐसे में। ओ भाई भाई ये कहाँ से आ गए, इनको नहीं मारना भाई, इन लोगों को मारना है भाई। वो तो डियाज है भाई, मैं डियाज को गोली मारने लग गया था। भाई गया। ओ भाई लोग ये तो अपनी पूरी पलटन लेके आए ले। मेरे होते तुम लोग इसके सामान को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। वो भाई लेंस के पास कैसे चला गया भाई, वो लोग पीछे से भी आ रहे हैं। भाई सीधा मत्ते पे हेडशॉट रखे मैंने मार के भाई। मैं भी देखता हूँ ये लोग ये क्या कर लेंगे। ओ भाई ये लोग कहाँ से आ गए भाई, इनकी तो भाई पूरी फौज आ रखी। उनका भाग रहा है, उनका भाग रहा है। ओ भाई ये बाइकर्स कहाँ से आ गए। भाई एक भाग गया। ओ भाई मुझे उसकी बाइक शायद पकड़नी है। हाँ भाई मुझे उसकी बाइक पकड़नी पड़ेगी। और भाई मुझे डियाज का माल बचाना पड़ेगा भाई, जैसा उसने मेरे को बोला है भाई। वो भाग रहा कितनी तेज चला रहा है भाई। तो भाई मुझे भी बहुत तेज चलानी पड़ेगी भाई। तू ऐसे नहीं भाग सकता यार, वो डियाज का माल है और तू उसको यूज़ नहीं कर सकता भाई। किसी और के माल पर हाथ डालना बहुत बेकार है, उसका माल है उसको दे दे। चल गया टपका भाई, टपका भाई उसको मैंने टपका दिया भाई। माल पूरा भाई, ब्रीफ केस बहुत महंगा है। टेक बैक टू डियाज, भाई डियाज के पास चलना है। और भाई डियाज पता नहीं पता नहीं लोग बहुत बड़ा गैंग्स कर देते हैं भाई। हमें किसी का भी सामान कुछ गैंग्स कर देता भाई, हमें स्ट्रेट रास्ते से डियाज के पास नहीं जाएंगे। और पहुँच गए हम डियाज के पास भाई। लगता है वो अपना गाड़ी के अंदर, हमें गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। इसने हमें बोला है कि वाह भाई, इसने हमें मतलब बोला है कि ये सब भाई कर्नल ने हमें हजार डॉलर दिए उस मशीन को नहीं। उन्होंने उस मशीन को किया भाई, अभी डियाज का फोन आया, कह रहा है उसके सारे मतलब उसने नंबर होना भाई, उसने उसको धोखा दिया है। और भाई उसको धोखा देने के बाद उसने बोला कि उसे ना हमारे से बंदा चाहिए, वो बस उसके पास जा रहे थे मिशन करने के लिए। कह रहे हैं अभी ना मेरा स्टंट मारने का मन है, एक स्टंट मार रहे भाई तू नीचे भाई। वो रहा सामने अपना स्कैनर भाई, ये हमेशा को ब्रश स्टैंड मरवाता है। ओ भाई भाई सिटी लाइक स्टंट हो गया यार, वो ऑलरेडी कम होता था भाई। पर इस बार ज़्यादा मिला, उस टाइम ज़्यादा मिला था, उस दिन 100 डॉलर मिला था भाई। यहाँ पे भी एक स्टंट है, वो भी करते हैं, बड़ा मस्त है। उसके लिए बड़ा पीछे से आना पड़ेगा। तो भाई ये बाइक तेज है, जहाँ मर्जी में डिजल गया इसको। ओ भाई भाई छत के ऊपर तो नहीं लैंड हुए हैं भाई, 200 डॉलर मिला है। और वैसे हम चलते हैं डियाज के, तो वैसे हम एक नई सिटी जा रहे हैं। और भाई ये यहाँ पे है डियाज का भाई सारा मेंशन मेंशन, तो यहीं पे चलते हैं इसका स्ट्रेट और फास्ट चलते हैं। यहाँ पर हम डियाज के पास पहुँच रहे हैं।
बस आज के गेम वीडियो को यही एंड करता हूँ। अगली वीडियो में भी आज के मिशन करेंगे। अगर आपको गेम वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के लिए मेरे साथ भी तो